नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। आपने T20 में गेंदबाजों पर रन बनते हुए तो खूब देखा होगा या सुना होगा। ज्यादा से ज्यादा आपने एक गेंदबाज के खिलाफ कितने रन बनते हुए देखे हैं। T20 में एक गेंदबाज 4 ओवर का स्पेल डालता है जिसमें 24 गेंद करनी होती है। T20 में अगर आपने देखा होगा या सुना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ओवर में 50 रन या 60 रन किसी गेंदबाज ने दिए होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रिकॉर्ड बताने जा रहा हूँ जो इससे कई अधिक है, जो कि कोई भी गेंदबाज अपने नाम नहीं करना चाहेगा। जी हाँ, T20 क्रिकेट में एक मैच में सबसे ज़्यादा रन देने का रिकॉर्ड शनिवार को बना। T20 क्रिकेट में एक मैच में सबसे ज़्यादा रन देने का रिकॉर्ड शनिवार को बना, जिसमें एक गेंदबाज ने 60-70 रन नहीं बल्कि 82 रन लुटा दिए 4 ओवर के स्पेल में। यह कारनामा हुआ T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में, जहां सोमरसेट और डर्बीशायर के बीच टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा था और डर्बीशायर के गेंदबाज मैटी मैक्रेरन ने अपने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 82 रन देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मैटी मैक्रेरन ने अपने स्पेल के दौरान एक ओवर में 34 रन भी खाए। सोमरसेट के बल्लेबाज रिले रोसव ने मैटी के ओवर में एक चौका और 5 छक्के सहित कुल 34 रन ठोक डाले। मैटी मैक्रेरन ने अपने पूरे स्पेल में 8 छक्के और 5 चौके खाए। मैटी ने मैच में 20.50 की रन रेट से रन दिए और अपने नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज कराया। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के गेंदबाज सरमद अनवर के नाम था, जिन्होंने 2011 में लाहौर लायंस के खिलाफ 4 ओवर में 81 रन दिए थे। अगर T20 मैच में सबसे ज़्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की बात करें तो अब पहले नंबर पर मैटी मैक्रेरन आ गए हैं, जिन्होंने 82 रन लुटा दिए थे। उसके बाद सरमद अनवर, जो कि 81 रन दिए हैं। उसके बाद बेन सैंडरसन ने 77 रन दिए हैं अपने 4 ओवर में, जो कि 2017 में बनाया था इन्होंने। उसके बाद 75 रन कशुन रजीथा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 में दिए थे। उसके बाद एंथनी मार्टिन ने त्रिनाड और टैबोग के खिलाफ 70 रन दिए थे 2012 में। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी मज़ेदार खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।